से है, इसलिए सभी लोग जय मोदी कर। मोदी जी का इतना भ्रष्ट, बीजेपी की इतनी भ्रष्ट सरकार कोई दुनिया पे ना थी ना होगी। कुछ नहीं करा देश ने, कुछ नहीं करा, करा तो मोदी योगी ने करा मुसलमान के लिए। मोदी जी से जब पूछो कि विकास की बात तो जय सियाराम, मोदी जी से पूछो कि ऐसा है कि महिला सुरक्षा की बात तो जय सियाराम। अभी तक तो समाजवादी पार्टी और 4 जून को वेंटिलेटर पर चली जाएगी। छोटे लोग छोटे मुद्दे बात करते हैं, सड़क की, रेल की, बड़े लोग राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। न्यूज वन इंडिया का चुनावी रथ पहुंच चुका है बदायूं शहर में और इस वक्त हम मौजूद हैं बदायूं के भामाशाह चौक पर। यहाँ का सियासत का मुद्दा क्या है, यहाँ पर सियासत की शोर करवट ले रही है और यहाँ यानी बदायूं में सियासत का मूड क्या है, इस पे बात करेंगे। बदायूं में आखिर किसका रुख है, क्या मुद्दा है और बदायूं का मूड क्या है, इस पर बात करेंगे। आगे आपको लोगों के बीच लिए चलेंगे और उनका उनके जो मुद्दे हैं उनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार, लोकसभा के रण में हम पहुंचे हैं बदायूं और बदायूं में बदायूं का मूड क्या है, बदायूं के मुद्दे क्या हैं और बदायूं की जनता के मन में क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं और हमारे साथ आम जनता भी है। इस वक्त चारों तरफ आप देखेंगे तो ये वो आम लोग हैं जिनके मन में कई सवाल होंगे, बदायूं का मूड क्या है, बदायूं के मुद्दे क्या हैं, और सामने की तरफ वो लोग हैं जो इस जनता के सवालों का जवाब देंगे। पिछले 5 साल में कितना बदलाव हुआ और अगले 5 साल में किस संकल्प के साथ जो जनता है बदायूं की वो क्या सोचती है, इस पे बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि आखिर बदायूं का सियासी मूड क्या है, क्योंकि एक तरफ बदलाव बार बार हो रहा है, एक तरफ एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, एक तरफ डबल इंजन की सरकार का जिक्र है और दूसरी तरफ विपक्ष कई खामियां सरकार के सामने रखता है। सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों से ही शुरुआत करते हैं, फिर आम आदमी के पास चलेंगे, हर उस व्यक्ति की बात करेंगे जो इस चुनाव में हमसे बात करना चाहता है, जो बताना चाहता है। सबसे पहले सर आपके पास मैं आऊंगा, अपना नाम अपना परिचय दें और बताएं कि बदायूं में क्या माहौल है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला बदायूं में। मेरा नाम राजीव राजगुप्ता है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। और माहौल की बात यह है कि बदायूं में पिछले 5 वर्षों में बदायूं की जनता ने माननीय धर्मेंद्र यादव जी के 5 वर्षों का भी कार्यकाल देखा है और बदायूं जनता ने इन 2019 के बाद के 2024 के बीच के जो कार्यकाल था डॉक्टर संगमित्रा मौर्य जी का, वो भी बदायूं की जनता ने देखा है। और दोनों के कार्यकाल की जो विकास की जो तुलनात्मक उसकी सीमा है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 साल बदायूं के लिए बिल्कुल बेकार गए। विकास के नाम पर कोई भी कार्य बदायूं के अंदर ऐसा नहीं है जो आप जिसे दिखा सकें कि बदायूं का विकास हुआ है। एक सुलभ शौचालय तक का कहीं पर भी आप देखे आए, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य के नाम का पत्थर नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं, बस जो आप जो गंगा एक्सप्रेस वे और हाईवे की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के वो पहले के निकले हुए हैं, वो एग्जीक्यूट अब हो रहे हैं। तो ये बदायूं विकास जो प्रतिनिधि के द्वारा जो विकास होता है वो वहां पर 0/0 सन्नाटा है। और कोई विकास कार्य नहीं, इसका जवाब बदायूं की जनता इस बार जनता से लेंगे। बदायूं की जनता के बीच में ही चलते हैं और इसका जवाब हम लेंगे कि आखिर इन 5 सालों में क्या बदलाव हुआ है। वो समाजवादी पार्टी के नेता आपने सुना कह रहे कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, सच है क्या ये बात? बदायूं में इतना काम हुआ है कि 7 पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ हर जनता के जुबान पर मोदी मोदी नाम है, जो विकास किया है कि ऐसा ब्याज संगमित्रा मौर्य ने किया है कि यहाँ सड़कें भी बनी हैं और जो काम अधूरा था वो काम सब पूरा कराया हम लोगों ने। यहाँ पर इतना विकास यहाँ पर किया है और मोदी योगी के नाम पर ही सब वोट चल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी योगी को ही सिस्टम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं। इधर भाई साहब कुछ कह रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जहाँ उनके परिवार के लोग रहते हैं वहीं उन्होंने विकास किया है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकास किया है। जो एक्सप्रेस वे बन रहा है गंगा एक्सप्रेस वे, उसकी कनेक्टिविटी, बदायूं का विकास इसीलिए रुका था कि बदायूं में कभी कनेक्टिविटी नहीं थी। अब बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जो है वो बदायूं का विकास होगा। और समाजवादी पार्टी ये बता दे कि उनके परिवार के अलावा प्रदेश में कहां कहना चाहिए विकास हुआ। राशन की लूट समाजवादी पार्टी में, लोगों की लूट समाजवादी पार्टी में। आज जनता सुकून से है, इसलिए सभी लोग जय मोदी कर रहे हैं। जवाब लेते हैं इस पे, जवाब मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पहले नेताजी से ही सवाल करें। नेताजी, आप ही पे दाग दिया उन्होंने गोला। नहीं, उन्होंने गोला जो दागा है वो सही दागा है,
वो ये कह रहे हैं बदायूं के जहां परिवार का व्यक्ति होता है सैफई परिवार का व्यक्ति वहां का विकास होता है। हम तो बदायूं की बात कर रहे हैं ना, तो बदायूं हमारे सैफई परिवार के लोग हैं, तो हमारे यहाँ का तो हमें तो अपने विकास की बात है, परिवारवाद की बात भी। हम बदायूं को बता रहे ना, एक बदायूं योजना यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, ये भाजपा के वो भाजपा के आदमी है, एक योजना बताए बदायूं के अंदर कोई एक इन्होंने जगह बनाई हो यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं इस क्लब के अंदर, जनता जनता के पास, जनता के पास, क्लब में जो आप बैठे हुए हैं यहाँ भी सामुदायिक जो सबूत दिया है वो धर्मान्य धर्मेंद्र यादव नहीं है। ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई साहब कुछ कह रहे, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास मैडम आ रहा हूँ। बदायूं में जो विकास हुआ ये कहते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा विकास किया गया, आप हापुड़ गाजियाबाद जाइए, बरेली में जाइए, ओवर ब्रिज जो बनते हैं शहर का, जो किसी भी जाम की स्थिति से जनता को कोई परेशानी नहीं होती है। बदायूं के विकास का पैसा खाने का काम किया, इसकी भी जांच आदरणीय मोदी जी और योगी जी समाजवादी के जो जो पुराने कारनामे जो विकास कहते हैं, विकास का जो पुलंदा बताते हैं, ये आप देख लो, एक ये पुलिया बनाने का काम किया है, ये विकास है क्या? ठीक ठाक। हमारे आदरणीय मास्टर साहब ने जो सवाल किया वो बहुत ही मतलब ऐसा था जिसका कोई मैं बता नहीं सकता। अरे मीडिया भी है, पेपर में भी निकलता है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं को सिलाई मशीन भी मिल रही है और 1500 रुपए भी मिल रहे हैं, और एक लोहार के लिए पूरी टूल किट मिल रही है, 15000 भी मिल रहे हैं, और तमाम योजनाएं उधर कान में बोल रहे हैं, खुल के बोलिए। हाँ सुनिए, देखिए मोदी जी ने जो दे दिया नहीं वो आने वाली है सपा बसपा कभी जिंदगी में किसी को दे नहीं सकती। जिसको छत दे दी 2.5 लाख रुपए से दे दी, जिसको गैस सिलेंडर दे दिया, 2-2 महीने का राशन फ्री दे दिया, बेटियां सुरक्षित हैं, काम धंधे लोगों, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा दे दी मोदी जी ने, सुरक्षा दे दी, ये बड़ी बात। और इसमें महिलाओं से बात करते हैं, महिला सुरक्षा, मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड आया, सुरक्षा की बात हुई है तो महिलाओं की बात करेंगे जी। आप सर जो अभी बात ये इन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो बात कही है, जो बात कही है कि यहाँ पे माननीय धर्मेंद्र यादव ने कुछ नहीं किया, तो बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया? मेडिकल कॉलेज माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने बनवाया, जो आज वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी खराब है, इतनी खराब है व्यवस्थाएं कि वहाँ पे हो नहीं सकता। मोदी जी का इतना भ्रष्ट, बीजेपी की इतनी भ्रष्ट सरकार कोई दुनिया पे नहीं ना होगी। ठीक है, इधर 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 से आवाज आ रही है, इधर से आवाज इधर। धर्मेंद्र यादव जी ने अपनी सांसद निधि का उपयोग किन गांव में किया है ये आप जाकर निकलवा लीजिए। मुद्दा सबसे बड़ा तो यही है कि इनका अभी तक कोई टिकट ही डिक्लेयर नहीं है। ये हमारे कैंडिडेट से लड़ेंगे कहां से? हमारे कैंडिडेट ने तो सब जगह घूमना और सब जगह प्रचार करना शुरू कर दिया है, इनके तो कहीं कार्यालय भी नहीं खुलना है। अभी यही डिसाइड नहीं है कि इनके यहाँ से चचा लड़ेंगे या भतीजा लड़ेगा। ये एक बड़ी बात है कि चचा लड़ेंगे या भतीजा लड़ेंगे। हाँ भाई साहब, देखिए भाई साहब, ये लोग क्या करते थे, पहले अपनी जनता की गाड़ी कमाई को ना सैफई महोत्सव में जश्न मनाते थे और खूब जाम प्याले फूंकते थे। हमारी जनता की गाड़ी कमाई का मोदी योगी भरपूर पूरा फायदा दे रहा है जनता को, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन की योजना हो। कहना है, सुनो, इनका तो कहना है जो वोट नहीं देगा उससे हिसाब ले लेंगे। हिसाब क्या हिसाब लेंगे ये कि जनता सवाल कर, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं करा अखिलेश ने, कुछ नहीं करा, करा तो मोदी योगी ने करा मुसलमान के लिए। सबके पास आऊंगा मैं, इसीलिए आऊँ कि मैं सबके पास आऊँ। देखिए नारेबाजी करने के लिए नहीं आई ये मंच, नारेबाजी नहीं, आप बात रखिए। बीजेपी ने नहीं समझा कथा, मोदी जी ने चंदा जो लिया है उनसे ये पूछिए उन्होंने क्या किया, वो चंदा कहाँ गया? देखिए बदायूं की जनता ने अपना मूड बना लिया है, अब की बार 400 पार, और इस बार ये देखना बस रह गया है कि कितने वोटों के अंतर से जीतेंगे। हमारा कैंडिडेट जीत चुका है 400 पार मोदी सरकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव की इतनी तारीफ कर रहे हैं सपा वाले, तो इतना काम किया तो उन्हें भगा क्यों दिया, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र यादव को टिकट, देखिए सबसे बड़ी बात है ये, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को तो हटा दिया पार्टी से, और पार्टी से भी इन्होंने निकाल ही दिया एक तरह से, ये इस तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को बाहर निकाल दिया। अब जो नया लेके आए हैं और वो भी आती है गुंडागर्दी शुरू कर दी। मोदी जी राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, गुंडों की बधाई में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी का पहले आप वहीं बैठिए, मैं आ रहा हूँ। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के 3 लोगों को यहाँ लाए और वो भी भागते जा रहे हैं, और वो परिवारवाद किया, सुनिए सुनिए, परिवारवाद भी उनका टिक नहीं रहा है, और माफिया गुंडे जेल में हैं, और वो शरीफ आदमी को टिकट नहीं देते। अगर किसी शरीफ को टिकट दे दें, हमारे शरीफ भाई साहब बैठे हैं,
राजीव राज जी उनके प्रवक्ता हैं, इनको टिकट दे दें तो ये कम से कम टिके रहेंगे। हार तो इनकी निश्चित है, लेके रहेंगे। ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ना ना ठीक है नहीं, आप पुरुषों के पास चलेंगे, वो महिलाएं कह रही हैं कि हम उधर नहीं जा रहे। एक मिनट आपने अभी बात की ही परिवारवाद, नारे नहीं नारे, आपने बात की परिवारवाद। राजनाथ सिंह और संजय सिंह कौन है आप बताइए, और बीजेपी है नहीं है, परिवारवाद की बात है यहाँ 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 क्या ये परिवारवाद है नहीं है। तीन MLA इनके, तीन MLA एक MP रहे, मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा देखिए आप, क्या दुर्दशा है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी, रोजगार गिनाए, महंगाई गिनाए, भ्रष्टाचार गिनाए, और बधाइयों का यहाँ का जो सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने विकास किया वो कभी भी बीजेपी ने विकास। ठीक है, अब इस पर जवाब ले लूं, अब जवाब ले लूं एक एक करके। लोगों से पूछिए, विकास तो बहुत बड़ी बात है, कभी आपने अपने सांसद को देखा है, संगमित्रा मौर्या जी को कभी सामने से देखा है? जवाब ले लें, अब हल्ला तो नहीं होगा, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आऊंगा, चार सवाल लूंगा उधर से, चार सवाल लूंगा, जवाब दीजिए जो सवाल उठ रहे हैं आम जनता की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। इनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव केंद्र की नीतियों को तय करने वाला चुनाव, भारत की जनता आज सुरक्षा, संरक्षा और विकास, ये तीन मुद्दों पर निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और योगी जी की सरकार ने इतना विकास किया है कि जन जन में भारतीय जनता पार्टी का समावेश हो गया। ठीक ठीक, जनता जनता के पास आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी भी आ गई, जनता इधर कैमरा घुमाइए, इधर घुमाइए, बहुत सारे लोग हैं इधर। 2010 साल तक धर्मेंद्र यादव यहाँ के सांसद रहे, जितना विकास किया हमारा इस मोदी सरकार में, गंगा एक्सप्रेसवे में 94 किलोमीटर बनाकर पूरे विकास को केवल एक विकास कार्य से तोल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात, अगर समाजवादी लोकसभा बधाइयों से कैंडिडेट उतारती है तो या तो वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव के परिवार का भतीजा होता है, चाचा होता है, या उनका चचेरा भाई होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दुर्विजय सिंह साक्ष एक गरीब साधारण आदमी, एक गरीब परिवार का बेटा। परिवारवाद, आज सवाल जवाब। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक की जो डेट में प्रधानमंत्री जी और योगी जी की सरकार में जो हो रहा है वो अन्य सरकारों में नहीं हुआ था। आज सब प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, जनता जनार्दन का पूरा साथ है। 25 साल का नोट कर लीजिए, मेरी रिकॉर्ड हो रहा है, 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, पूरी जनता जनार्दन। अगर इन्होंने विकास, अगर इन्होंने विकास किया होता तो लाइट की पहले क्या व्यवस्था थी, गड्ढे में गिर जाता था रागी, अब 24 घंटे बत्ती मिल रही है, ये किसके राज में मिल रही है? अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जवाब ले लूँ इधर से, जवाब ले लूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आप दोनों बोलिए। ये कह रहे हैं कि विकास हुआ, हुआ विकास कौन सा आप बताइए ना, वो तो कह रहे हैं बच्चों से लाखों आदमी मर गया रोड पे, गाय बछड़ों से एक्सीडेंट होते हैं और लाखों आदमी मर गया। अच्छा, एक बात है, नहीं नहीं एक बात है, गौशाला के नाम पे बंदर बांट हो रहा है, क्या गौशाला के नाम पे, मतलब गाँव की क्या दुर्दशा है, इनकी व्यवस्था की जाए। ये विकास की बात करते हैं, अंडरग्राउंड केबल पड़वाई थी सांसद जी ने, धर्मेंद्र सारा जिम्मे रख के अधूरा छोड़ के भाग गए, निरे जानवर मर गए, निरे आदमी मर गए बारिश में, इन्हें तो गाय कटवानी परमिशन मिल जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पार्टी देश हित में काम करती है, राष्ट्र हित में काम करती है, उसी पार्टी को हम लेके आएंगे, और ये समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार के लिए काम करती है, हम इसे कभी नहीं लाएंगे। आप पीछे, अब आप पीछे, दोबारा आऊंगा। हाँ आइए आइए, मैं आ रहा हूँ। मैं भाई साहब समाजवादी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, ये PDA की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं मोदी जी करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये PDA की बात करते हैं ना, ये पिछड़ों को कोई काम करते हैं ना, अल्पसंख्यकों को कोई काम करते हैं ना, दलित को कोई काम करते हैं, तो इनका PDA है कहाँ? ठीक है, PDA ठीक ठीक, आ रहा हूँ 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये 20% लोग जो है परेशान है, ये सत्ता के लिए लालची है, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ना ना भाई 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 आ रहा हूँ, आ रहा हूँ हाँ। अभी तक तो समाजवादी पार्टी ICU में और 4 जून को वेंटिलेटर पर चली जाएगी। ये लोग ये कहेंगे कि EBM हैक हो गई। मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी तक सरकारें आई उनको देखते हुए हमारी मोदी योगी सरकार लाख गुना बढ़िया है और काम हो रहा है, और इनकी बौखलाहट है, जो हार को बैठे हैं, इनको प्रत्याशी चेंज हो रहा है, अभी वो प्रत्याशी इनका निश्चित नहीं हुआ है। दोबारा नेताजी कैसे मुकाबला करेंगे भैया, यहाँ तो माहौल ही एक तरफा लग रहा है।
किसने कह दिया माहौल एक तरफ? देखिए लोग हैं, लोग तो ही कह रहे हैं माहौल क्या है मोदी जी से, माहौल क्या है मोदी जी से। जब पूछो कि विकास की बात तो जय सिया राम, मोदी जी से पूछो कि ऐसा है कि महिला सुरक्षा की बात तो जय सिया राम, मोदी जी से पूछ लो कि ऐसा है कि आपने जो क्षेत्र के अंदर क्या विकास करा तो परिवार बात। अब उनके पास कोई बहाना कोई मतलब चीज ही नहीं रहेगी, सिर्फ उनके पास एक मंदिर मुद्दा था, वो भी मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, वो भी मुद्दा उनके पास खत्म हो गया। विकास तो उन्होंने कभी करा ही नहीं है, विकास नहीं किया। अब इनके लोग ये कह रहे हैं कि कभी कोई सरकारों ने नहीं करा, जब एल बेल रेल एयरपोर्ट सब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। जवाब ले लेते, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ ऐसा नहीं है कोई कमजोर है, इन्होंने ये सबसे पब्लिक ने मन बना लिया कि अब की मोदी योगी सरकार मोदी रहे मोदी रहेंगे। अगर मोदी योगी अच्छे नहीं होते तो मुसलमान 99% उसके साथ नहीं होते। मोदी अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं, मुसलमान पूरा साथ है, अब की पूरा साथ। उतर गए, फिसल गए, साइकिल फिसल गए। आराम से, आराम से, नारे नहीं। मुद्दा करने वाला बताओ, जिले का, देश का, प्रदेश का एक ही है कि भ्रष्ट सरकारों को हटाओ, आम जनता का काम हो, सुकून हो, रोजगार का काम हो। ये सब काम केवल मोदी सरकार में हुआ है। पिछले 10 साल से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, लोगों को घर में खाने का राशन दिया, 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की। ऐसे तमाम ये बताएं काम करने की वजह से पूरे देश में एक कि फिर तीसरी बार मोदी सरकार। जैसे अभी इस समय ये लोग 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। मेरा ये कहना है कि ये सब लोग एक ये 26 पार्टियों का गठबंधन बनाने से अच्छा है एक ईवीएम हैकर रख लें बढ़िया था। जब बहन जी आई थी बधाई में कर्फ्यू लगा दिया था, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री है करोड़ों रुपए लेती है एक एक टिकट बेचने के दौलत से भी है, और जब मायावती का नाम ले रहे हैं। भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सपा बसपा में जो माफिया पैदा हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। भाई साहब, जो मोदी जी और योगी जी का काम जो पहले राष्ट्रीय खाद्यान्न था, ये कहते क्या विकास किया? जनता पहले की सरकारों ने होली दिवाली रक्षाबंधन पूरे हिंदुस्तान में राशन देते थे। आज मोदी और योगी जी के राशन में 12 महीना राशन मिलता है। राशन 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 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। 17 पेपर लीक हुए हैं, क्या योगी मोदी के राज्य में युवाओं का क्या भविष्य है? जो देखिए 10 साल बीजेपी के सरकार को चलते हो गई, 7 साल बीजेपी की यूपी में सरकार चलते हो गई, बदायूं के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई हैं। 5 साल तक हमारे सांसद बदायूं बीजेपी के दिखाई नहीं दिए। पूरे उनकी जो 5 विधानसभा है उनमें हमारे यहाँ बदायूं के सांसद का कोई अगर नाम और काम बता दे, अगर कोई नाम और काम बता दे। उधर ही उसी मोहल्ले में 2012 से 2017 में सपा की सरकार रही। जो लोग कहते हैं ना ये मुस्लिम हत्याशी है, इन्होंने मुसलमानों को छात्रवृत्ति के 10वें उत्तर की छात्रवृत्ति को 580 करोड़ रुपए दिए, और हमारी सरकार ने 2017 से 2024 के बीच में 1075 करोड़ रुपए दे दिए। अब आप कुछ फर्क देख लीजिए, दुगना है। ये लोग सिर्फ रिक्शा और कब्रिस्तान की दीवारें दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते मुसलमानों। लोग कहते हैं भाजपा ने राम मंदिर दिया, ठीक है, तो लोग कहते हैं राम मंदिर से रोटियां बन जाएंगी। तो मैं पूछता हूँ, सपा ने जो हज हाउस दिया उससे कौन सा रोजगार बन गया? ओहो, एक मिनट भाई साहब इस कोने में जाने दो, इधर। हाँ बताइए, चाचा आप आ गए। हाँ एक मिनट, आप बैठिए। मेरा कहना ये, बार बार ये बेरोजगारी को रोते हैं सब लोग। मैं ये पूछता हूँ, 2014 से पहले इनके घर में कितने IAS थे, कितने PCS थे, मुझे पहले ये बता दें। ये लोग बार बार बेरोजगारी की कहेंगे, बार बार कहते बेरोजगारी, इससे पहले कितना रोजगार था 2014 से? मैं बता रहा हूँ सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ, सुनिए सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ। मध्य बिहार में नीतीश सरकार थी, मैं महिला सम्मान की बात करता हूँ। बिहार में नीतीश सरकार थी, नीतीश सरकार में जब बिहार की, हम बदायूं की बात कर रहे हैं भैया, हम बदायूं की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम बदायूं का मुद्दा क्या है, मैं बदायूं का मुद्दा क्या है। हाँ ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं है? 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं महीने में 2 बार, उस तरफ चलिए, क्यों दे रहे हैं? इसलिए मोल खरीद रहे हैं,
2000 तो मानी थी मैं। इधर आइए, इधर आइए, आ रहा हूँ, 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 इस तरफ, इस तरफ। मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने विश्व में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। जब से रखा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कदम, देश में नहीं पूरी दुनिया में चमत्कार कर दिया। मेरी बात सुन लीजिए, एक कबीरदास जी ने कहा है अगर विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाए, विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका देश का सेवक ईमानदार है, तो इनको समझ लेना चाहिए हमारा देश का सेवक ईमानदार है। मोदी सरकार हमारा देश का, और मोदी जी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का युवा साथ है, पढ़ा लिखा साथ है, सभी लोग साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। हो गया, अगर इलेक्शन हो तो ईमानदारी से हो, ये ना शोर मचा के ये शासन बदल देंगे, ना शोर मचा के हम बदल देंगे। आम मानस नहीं है, सब कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, तो हम समाजवादी की जय करेंगे। जो बीजेपी वाले हैं तो जय बीजेपी की जय करेंगे। ये आम जनता जवाब दे देगी, आम जनता से जवाब, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता। अपनी बार 400 बार अगर विरोध में इतना दम है विरोधियों में, तो फिर क्यों गठबंधन करते हैं, अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? अगर उनमें इतना दम है तो अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? विरोध में इतना दम है तो निकल के आए अकेले पे अकेले। महिला सुर एक 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 नहीं, ना 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 एक ना ना, इधर इधर, इस तरफ, इस तरफ, इधर। हाँ, बधाइयों का। देखिए महंगाई का मुद्दा, सर सर प्लीज हमसे बात करिए, महंगाई का मुद्दा। जो साढ़े तीन सौ सिलेंडर था वो 1200 में बिका, दालें जो 52.50 रुपए किलो थी वो 200 रुपए किलो हुई, सरसों का तेल जो 40-50 रुपए। महंगाई, आप महंगाई कह रही, महंगाई जवाब ले लूं। जो नौकरी निकली उसमें 60,000 पद, 60 लाख फॉर्म, और वो भी निरस्त। क्या दिया जनता? तो शिक्षा और नौकरी दो चीजें। जो 5 किलो राशन का फंडा बोला जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज भूचड़ खाना बना दिया क्या डबल इंजन की सरकार? उधर चलिए मुद्दा और यहाँ का माहौल, किसी पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। सब हल्ला कर रहे हैं। भाजपा का मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा है? भाजी का कौन जीत रहा है? गंडी में, अरे बीजेपी, बीजेपी 400, कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं। सरकार में लैपटॉप घोटाला किया था, और इस सरकार छोटे लोग छोटे मुद्दे बात करते हैं, सड़क की, रेल की, बड़े लोग राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हमारी सरकार ने माफियाओं को राम नाम सत्करने काम किया है, और भगवान राम को मंदिर लाने का भी काम किया है। तो देखिए भैया, ये बधाइयों का माहौल है। बौखलाहट तो केवल ये है कि बौखलाहट तो इस बात की है बेईमानी करने को नहीं मिल रही है। लूट अपहरण, ये इनका लाइसेंस नहीं मिलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं बेरोजगारी, तो नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? अपनी तैयारी करने का घर पे, और किसी चीज का पेपर दें। और तो ये देखिए, बदायूं में माहौल बहुत गर्म है भैया, बदायूं की जनता का मिजाज भी थोड़ा गर्म है। यहाँ पे पार्टियों के लोग भी थे, और आम जनता भी थी, और नेता भी थे, सबने अपनी बात को रखा और अपनी बात को कहा। कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की, और कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। लेकिन जनता तय करेगी कि जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तब तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। फिलहाल बदायूं से मेरे साथ इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज वन इंडिया, बदायूं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। न्यूज वन इंडिया का चुनावी रथ पहुंच चुका है बदायूं शहर में, और इस वक्त हम मौजूद है बदायूं के भामाशाह चौक पर। यहाँ का सियासत का मुद्दा क्या है, यहाँ पर सियासत की शोर करवट ले रही है, और यहाँ यानी बदायूं में सियासत का मूड क्या है, इस पे बात करें। मोदी जी का इतना भ्रष्ट, बीजेपी की इतनी भ्रष्ट सरकार कोई दुनिया पे ना थी ना होगी। कुछ नहीं करा अखिलेश ने, कुछ नहीं करा, करा तो मोदी योगी ने करा मुसलमान के लिए। मोदी जी से जब पूछो की विकास की बात, तो जय सियाराम। मोदी जी से पूछो कि ऐसा है कि महिला सुरक्षा की बात, तो जय सियाराम। अभी तक तो समाजवादी पार्टी आई जून में, और 4 जून को वेंटिलेटर पर चली जाएगी। छोटे लोग छोटे मुद्दे बात करते हैं, सड़क की, रेल की, बड़े लोग राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं।